हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरे पास ये अरहर की दाल बच गई है, जिसको कि तुअर की दाल भी बोलते हैं। तो ये कई बार हमारे घरों में बच जाती है और हमें समझ में नहीं आता कि हम इसका क्या करें, और दोबारा ये ठंडी खाने में अच्छी भी नहीं लगती। तो आज हम इसके बनाने वाले हैं पराठे। तो इसके लिए हम ले लेंगे सबसे पहले एक बर्तन। इसमें मैं डाल रही हूँ कटी हुई हरी मिर्च, और इसमें हम डालेंगे आधी चम्मच नमक। तो मसाले हम कम ही यूज कर रहे हैं, क्योंकि दाल हमारी पहले से ही फ्राई है। तो इसके लिए मैंने डाल दिया ये आधी चम्मच नमक, ये लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा, और ये हल्दी पाउडर आधा चम्मच, आपके पास कटा धनिया है, कसूरी मेथी है तो वो भी इसमें डाल सकते हैं। तो बस मैंने ये डाल दिया है। इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा जीरा, तो ये आधी चम्मच के करीब जीरा है, और दाल हमारी अच्छे से फ्राई है तो इसमें हमने कम मसाले यूज किए हैं। तो ये हमने ले ली इसमें दाल, और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके आटा मिलाएंगे। तो उतना आटा मिलाएंगे कि हमें पानी लगाने की ज़रूरत ना पड़े, और आटा हमारा इसी दाल में अच्छे से गूंथ के तैयार हो जाए। तो बस इसको गूंथ लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये इतना आटा लगा के तैयार कर लिया। इसमें 6 या 7 पराठे बन जाएंगे, और ये ऐसे नरम आटा लगा के हमने तैयार किया है। तो चलिए इसके पराठे बना लेते हैं। तो ये फ्रेंड्स, हमने ले लिया है चकला, बेलन और तवा, जो कि बहुत ज़रूरी होता है रोटी पराठा बनाने के लिए। तो गैस जला दी है हमने, और गैस को धीमा कर दिया है, और अब हम इसके पेड़े बना लेते हैं आटे से। ऐसे हम छोटे छोटे लोई काट के तैयार कर लेंगे, और अब हम इसको बेल लेंगे। आप किसी भी आकार में इसको बेल सकते हैं, चौकोर, गोल, या जिस किसी आकार में आप पराठे बनाते हो। और ये बेलने में बिल्कुल आसानी से बेल जाता है, क्योंकि हमने इसमें कटा हुआ प्याज या टमाटर कुछ भी नहीं डाला है। आप चाहें तो इसमें कटे हुए प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये बेलने में बहुत आसानी से बेल जाएगा। और इस पे हमने लगा दिया है, आप तेल, घी या बटर कुछ भी लगा सकते हैं, मैं इस पे लगा रही हूँ तेल। और इसको ऐसे तिकोना तैयार कर लेंगे हम। तो ये देखिए, पराठा बेलने के लिए लोई हमने तैयार कर ली है, और इसी तरह से हम दूसरी लोई भी तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये दूसरी लोई भी तैयार कर ली है, और आप चाहें तो इकट्ठे सारी लोइयों को तैयार कर सकते हैं और पराठे बेल सकते हैं। मैंने अभी 2 लोई ही तैयार की हैं, और चलिए अब इसको बेल लेते हैं। और गैस को अभी हमने थोड़ा सा तेज कर दिया है। तो पराठे को हमें बहुत ज़्यादा रोटी जैसा पतला नहीं बेलना होता है, पराठे को हम थोड़ा सा मोटा रखेंगे। और अब हमने तवे पे भी थोड़ा सा तेल लगा दिया है। तो चलिए बस इसको सेक लेते हैं। तो एक पराठा बन गया, और दूसरा पराठा भी बना लेती हूँ मैं। तो बस दोनों पराठे बिल के तैयार हैं, और अब इसको आती है सेकने की बारी। तो बस इसको हम सेक लेंगे अच्छे से।
ये देखिए एक तरफ सिक्के तैयार हो गया है और अब हम इस पे लगा देंगे ये तेल। तो अच्छे से एकदम पराठे पे तेल लगाइए और दोनों तरफ सेक लीजिए। इस साइड भी मैं तेल लगा देती हूँ इस पे। और ये देख रहे हैं आप कितना फूला हुआ अच्छा पराठा बन के तैयार हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है बची हुई दाल को यूज़ करने का और बहुत ही टेस्टी भी। जब दाल हमारे घर में बच जाती है ना, तो जब हम फ्रिज में रख देते हैं उसके बाद निकाल के खाते हैं तो उसका वो टेस्ट नहीं रहता जो ताजी वाली दाल का होता है। पर ये पराठा बनाने के बाद आपको दाल फेंकनी नहीं पड़ेगी और बची हुई दाल का बहुत अच्छा यूज़ कर पाएंगे आप। तो मैं दोबारा से दूसरा पराठा भी सेक ले रही हूँ इसी तरह से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा दूसरा पराठा भी सिकने वाला है। तो दोनों पराठे हमारे बनके तैयार हो गए हैं और हम बहुत जल्दी इन पराठों को बना लेते हैं। झटपट से बनने वाला, आप किसी नाश्ते के रूप में या फिर डिनर में, लंच में, किसी भी टाइम इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे पराठे बनके तैयार हो गए हैं और अब हम इनको सर्व करेंगे किसी चटनी के साथ या फिर अचार के साथ, किसी के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो चलिए हम इनको सर्व करते हैं अचार के साथ। तो एक बार ज़रूर बनाइए और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। उम्मीद है कि रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। और ये देखिए पराठा नरम नरम सा बनके तैयार है। तो चलिए, मुझसे सब्र नहीं हो रहा और मैं जा रही हूँ खाने।